दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिमायतदार सवाल जो आपको जीवन बनाने में मदद करेगी और बीमारी से लड़ने की छुटकारा मिलेगी। ये वीडियो 10 मिनट की 20 मिनट की नहीं है, ये सिर्फ 3 मिनट की है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 1, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर चलना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे क्या होती है कि पेट में गैस नहीं बनता है, एसिडिटी बदहजमी नहीं होती है, तो हमारे शरीर में कोई प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए जरूरत के समय में टहलें। सवाल नंबर 2, पेट में गैस क्यों बनता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे जरूर करें और जल्दी कर लीजिएगा कि अच्छा जानकारी आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के पास में ऐसी जानकारी शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है खराब खाना खाने के कारण जो है पेट में गैस बनता है, गैस बनने के कारण कपार चक्कर देने लगता है, शरीर में खून नहीं बनता है सिर्फ गैस के कारण। दोस्तों अगर हमारे शरीर में गैस बनता है, पेट में गैस बनता है, तो कभी हमारे शरीर की सेहत नहीं बनेगी। सवाल नंबर 3, भिंडी की सब्जी खाने से कौन बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे जल्दी कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है बवासीर की बीमारी नहीं होती है, हाथ पैर में जलन जीवन में भूल करके भी नहीं होती है, इसीलिए भिंडी की सब्जी जरूर खाएं, भिंडी की सब्जी और पेट खूब क्लीन और साफ रहता है दोस्तों, तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है, कब्ज फबज। सवाल नंबर 4, सेब खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब मेरे दोस्त मेरे भाई कर लीजिए कि अच्छा जानकारी आप तक मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चे को मन लगता है, मुंह में जो है कील मुहासे दाग धब्बे फोड़ा फुंसी एक जिम्मा जैसे हाथों में बीमारी नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए सेब जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर 5, सुबह के समय में लकवा की बीमारी क्यों हो जाती है दोस्तों बहुत सभी लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भयंकर बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है समय से लेटरिन बाथरूम नहीं जाने के कारण सुबह के समय में जो लोग लेटरिन बाथरूम सुबह जाने में लेट कर देते हैं उसी समय लकवा मार देता है, इसीलिए दोस्तों कभी भी काम में न लगें, सुबह के समय में पहले लेटरिन बाथरूम जाएं, आएं, स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद में जाएं। थैंक यू दोस्तों।